हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश ऑल ऑफ यू वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। सो आज रक्षाबंधन है एंड शाम को मैं यहाँ पे अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। तो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, फेस्टिवल है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नॉट ओनली मेरे लिए, जितने भी भाई बहन हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो जब भी भाई चेन्नई नहीं आ पाता था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाती थी। तो एंड हम दोनों का जो बॉन्डिंग है, जो अटैचमेंट है, वो कुछ अलग लेवल का ही है। तो वो मैं ऐसे बोल के ना उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। तो एनीवेज वो सब बातें छोड़ रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बैंगलोर में उसको मैं कभी राखी बांधूँगी, क्योंकि अभी हम दोनों ही बैंगलोर रहते हैं। सो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। सो एनीवेज हम लोगों का तो चलता ही रहता है, दोनों का बदमाशियाँ हम दोनों का हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने स्वीट सजा के रखे हैं, वो इतना खाएगा नहीं पता है, बट फिर भी। एंड इस बार शिवांग भी उसको राखी बांध रहा है अपने मामू को। वो थोड़ा सा मतलब कभी भी मुझे कोई राखी नहीं बांधता, मैं भी राखी लास्ट ईयर उसको उसकी कजिन्स ने राखी बांधा था। तो इस बार तो हम यहाँ पे हैं, तो इस बार उसने कहा कि मैं राखी बांधूँगा एंड ही टाइड राखी टू हिज मामा। वो अपने मामा से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो वो अभी अपने मामा को राखी बांध रहा है। एंड जो जो मैंने किया ना, सारा कुछ वो करेगा। लाइक मम्मी ने जो किया, मुझे भी वही करना है। सो यस। एंड रात को हमने डिनर में भाई के लिए स्पेशल, उसे जो जो पसंद है वो मैंने बनवाया था। पूरी बनाई थी, चिली पनीर एंड देन चना दाल, ये मैंने बनाया था। ये सभी उसको बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा था कि आज राखी के जो स्पेशल डिनर होगा वो सारा भाई के पसंद का होगा। सो यस, इस तरह से हमने अपना राखी सेलिब्रेट किया। एंड आई विश आप लोग ने भी बहुत अच्छी तरह से राखी सेलिब्रेट किया होगा। सो वंस अगेन हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू ओवर देयर। एंड फिर मिलते हैं इन अनदर व्लॉग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।